पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने 11 सड़कों का किया उद्घाटन। इधर पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन ने रविवार को 11,201 लाख रुपए की लागत से विभिन्न क्षेत्रों में कुल 64 किलोमीटर लंबी 11 नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। 2788,77,000 रुपए की लागत से 9.50 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास पथ निर्माण विभाग दरभंगा प्रमंडल परिसर में किया गया। पथ परिमंडल द्वारा निर्मित जिन 11 सड़कों का उद्घाटन किया गया उनमें हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बढ़ी प्रखंड के आनंदपुर सिधौली मनोरथा खरर होते हुए सुधारपुर बांसडीही तक 3,151.46 लाख रुपए की लागत से 9.928 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसी क्षेत्र में 509.59 लाख रुपए की लागत से 3.950 किलोमीटर लंबी हायाघाट अशोक पेपर मिल पथ का निर्माण किया गया। माननीय विधायक जी से राय दियो आगे तुम खस से के दम पर क्या कर सकते हैं से का हम बहुत तरह से लो ये गए ना जो विनायक झुमर के दुर्गना अध्यक्ष भारत के दुर्ग गया ना स्वागत से तारे नामानी या प्रत्यक्ष यादव की विद्यारम दे विवाह च उन प्रदेश से जिन गमन तथा संक्रा में संकट से वो लिंग तष्ट न जाए के जगत मंगलम भगवान मंगलम गगन मंगलम कोचरी का अक्षण मंगलाय तरु हरि सर्वंगल्य मंगल्ये श्रे सर्वार्थादिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायण नमस्तुते गणानां द्वा गणपति गुंग हवामहे प्रियानां द्वा प्रियपति गुंग हवामहे निधीनां द्वा निधिपति गुंग हवामहे अशो मम आहम जाने गर्भदासी गर्भध्वम सर्वमंगल्य मंगल्ये श्रे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम दुर्गे अस्मिताशेषदंतु स्वस्ति अस्मिता मतिमति शुभां ददास दारिद्र दुख भय हारणि का तो धन्या सर्वोपकार करनाय सदा सर्वदा सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वहतस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते दुर्गे अस्मिता कार्यक्रम में जिस चीज से हम लोग का प्रवास था और सरकारी कार्यक्रम में आज हम लोग के माननीय मंत्री जगदीश मिश्रा जी माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी माननीय विधायक संजय सरावगी जी डिप्टी मेयर साहब माननीय विधायक रामचंद्र जी मिश्री लाल जी विधान परिषद के सदस्य अपने हरी सहनी जी नवनिर्वाचित फिर हाँ सभी हमारे पदाधिकारीगण आज करीब अपना एंगल देखो ना नवार के तहत 28 करोड़ की योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया है और करीब 112 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन आज किया जा रहा है जिसमें विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं
सभी योजनाओं की एक सूची जो मुख्य योजनाएं आज यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास की जा रही हैं उसमें नवाज योजना के अंतर्गत दरभंगा के अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के आनंदपुर सिघौली बनोरा खैरा होते हुए बासाजी तक करीब 9 किलोमीटर की योजना 31 करोड़ की राशि से हुई है। बहादुरपुर यूनिवर्सिटी के पास राज्य योजना के मुताबिक तारालाही सिमरी पथ पर करीब 11 किलोमीटर की योजना 29 करोड़ की लागत से हुई है। राज्य योजना के तहत दरभंगा के अंदर हयाघाट अशोक पेपर मिल पथ करीब 4.5 किलोमीटर की योजना 5 करोड़ की राशि से हुई है। इसके अलावा दरभंगा के अंतर्गत कमतौल से अहिल्या पथ पुल लंबाई 3 किलोमीटर ये 11 करोड़ की लागत से योजना हुई है। केवटी में राज्य योजना के तहत ननौरा से मोहम्मदपुर पथ करीब 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की योजना 4.74 करोड़ के साथ उन्नयन का कार्य किया गया है। इसी प्रकार से दरभंगा के अंतर्गत हाजीपुर से छतवन पथ कुल लंबाई 9 किलोमीटर 5 करोड़ की राशि से हुई है। दरभंगा के अंतर्गत लहेरिया सराय टावर से लहेरिया सराय स्टेशन तक जिला परिषद आवास और पथ प्रबंधन कार्यालय करीब 2 किलोमीटर की योजना 10 करोड़ की राशि से हुई है। जाले के अंतर्गत दरभंगा के अंतर्गत कमतौल जोगिया पथ के SH-97 बजरंग चौक भया उच्च विद्यालय जोगिया तक करीब 3 किलोमीटर की योजना 6 करोड़ की राशि से हुई है। उसी प्रकार से दरभंगा ग्रामीण में NH-57 गौसा घाट से घोसई के पीठभूमि सड़क करीब 37 किलोमीटर की योजना 4 करोड़ की राशि से हुई है। केवटी शहर के अंदर दरभंगा के अंतर्गत 7 बाजपुर भोलका कटैया पर 5 करोड़ की योजना 3 करोड़ की राशि से हुई है, उन्नयन कार्य है। इसी प्रकार से दरभंगा शहर के अंदर लोहरिया चौक से टावर चौक इसका नामांकन का विद्यापति के मार्ग में जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं और इसके अलावा जो नवाज से एक योजना भी हम लोग स्वीकृत किए हैं इसका शिलान्यास कर रहे हैं। दरभंगा के अंतर्गत हवाई अड्डा से बड़ी पथ 10 किलोमीटर की योजना है 27 करोड़ की राशि से योजना को आज हम लोगों ने इतनी योजनाओं का शिलान्यास आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ ADB के तहत हम लोगों ने अतरेल से घोघा राह पर 32 किलोमीटर की योजना 250 करोड़ की लागत से स्वीकृति के लिए हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेकर स्वीकृति कर रहे हैं। साथ ही साथ आमस दरभंगा पथ जिसका करीब और आमस से लेकर दरभंगा तक का पहला एक्सप्रेसवे है उसको हम लोग स्वीकृत किए हैं और माननीय नितिन गडकरी जी के 7000 करोड़ की योजना का शिलान्यास करने सितंबर माह में दरभंगा की पवित्र भूमि पर आएंगे। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने बेला मोड़ से गौसा घाट तक करीब 3 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे से उसको हम लोग सीधे जोड़ेंगे जिससे कि आमद दरभंगा से सीधे शहर जुड़ेगा। इसके अलावा सिंहधारा मोहम्मदपुर सड़क को भी नवाज के तहत हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। तो ऐसी कई योजना है। इसके अलावा माननीय सांसद जी ने लगातार हम लोग को आरोपी के लिए इंसिस्ट किया है तो 5 आरोपी हम लोगों ने स्वीकृत किया है और शेष जो 7 आरोपी है उसको भी इसी वर्ष हम लोग स्वीकृति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो एक योजना आमद दरभंगा पथ का है उसमें दरभंगा के बाद जयनगर को भी हम लोग जोड़ने का योजना इस वर्ष लिए हैं जिनकी सहायता से उस योजना को हम लोग ने लिया है। माननीय सांसद और माननीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगातार बिहार में हम लोग सड़कों के क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं और नितिन गडकरी जी और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी का बहुत सहयोग बिहार को सड़क के क्षेत्र में मिला है और उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी बात जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है जो कि 416 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो उत्तर बिहार से गुजरेगा उसका लाभ सीधे उत्तर बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ शहर के अंदर भी कई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव माननीय विधायकगण ने दिया है उस पर भी हम लोग बहुत जल्द विचार करेंगे और नवाज के अंतर्गत करीब 7 किलोमीटर की योजना जाले में भी हम लोग ले रहे हैं उसकी भी योजना इसी वर्ष हम लोग स्वीकृत करेंगे। तो मैं अपने तमाम विधायक और सभी अपने सांसद और डिप्टी मेयर साहब
सभी लोग को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इसके अल्प समय में आप कार्यक्रम में आए हैं और जो विभाग के दृष्टि से कुछ कमियाँ रही हैं उसको हम दूर करेंगे और एक बार प्रोटोकॉल के दृष्टि से जो भी नामकरण रहते हैं उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए जिला पर दृष्टि से और उस पर निश्चित रूप से विभाग का मंतव्य स्पष्ट देना चाहिए और जो भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको पूरा सम्मान मिले इसकी चिंता विभाग हमेशा करेगा। जो कमियाँ रही हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े खुशी की बात है कि माननीय मंत्री पथ निर्माण जी का आगमन दरभंगा की पावन धरती पर हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में सड़कों का उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास का काम आज उनके कर कमलों से हुआ है माननीय सांसद जी की उपस्थिति में, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में और उन्होंने कई बड़ी नए नए पथों की घोषणा की है। जैसे नवाड से 7 किलोमीटर नई सड़क का चौड़ीकरण का काम जाने में, साथ ही साथ दरभंगा शहर में 3 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाते हुए आमस 3 किलोमीटर वही मैंने कहा 3 किलोमीटर को चौड़ीकरण करते हुए आमस दरभंगा पथ से मिलाने का काम होगा। साथ ही साथ एक ऐतिहासिक काम माननीय मंत्री पथ निर्माण ने किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जिले के सबसे व्यस्ततम शहर को 10 मीटर चौड़ा सड़क करने के लिए इन्होंने ADB से एक योजना स्वीकृत की है। अतरवेल से भुगरा वाया जाले ये एक ऐतिहासिक काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, आभार इनके प्रति प्रकट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ इन्होंने कमकौल में एक अहिल्या स्थान जाने में एक अपना रेलवे फाटक है उसके ऊपर आरूबी बनेगा इसकी भी बात इन्होंने कही है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी हमारे क्षेत्र जाले का कमकौल से लेकर सनापुर सीमा तक लगभग 20 किलोमीटर लंबे सड़क को 47 करोड़ की लागत से अभी टेंडर माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हो गया है, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं किया है। मैं उनको जोड़ने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं कि उसका ऑलरेडी विभाग ने टेंडर भी कर दिया है और ये ऐतिहासिक काम माननीय मंत्री जी ने किया है कि जाले को अब इससे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाले विधानसभा का इससे बन जाएगा और नॉर्थ नॉर्थ साउथ को चौड़ीकरण करने की बात कर दी तो मैं तहे दिल से पूरे जाले वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का साधुवाद करना चाहता हूं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही साथ पूरे दरभंगा जिला की तरफ से कि बहुत बड़ा काम दरभंगा जिला के अंदर पथ निर्माण विभाग करने जा रहा है। आपका दरभंगा में आगमन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर आप आकर के दरभंगा की चिंता करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय विधायक विधान पार्षद जी को धन्यवाद। हमारे सांसद जी लगातार दरभंगा की चिंता करते हैं उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। हमारे डिप्टी मेयर भी इस मंच पर उपस्थित हैं उनको भी साधुवाद देते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु बांधवगण इस मंच पर उपस्थित है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ और विभाग के सभी योग्य कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को भी मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।